ओडीआई वर्ल्ड कप का बदला ले पाएगा भारत टी20 वर्ल्ड कप में। जी हां, आपको बता दें कि कल का मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जहां पे आपको बता दें कि इंडिया अपने दो में से दो मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पे पहले स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया आज अपना मुकाबला अफगानिस्तान से 21 रन से हार गया और रन रेट के चक्कर में अगर देखा जाए तो अभी भी वो दूसरे स्थान पर बना हुआ है। पर कल क्या भारत अपना जो ओडीआई वर्ल्ड कप की जो हार थी, अगर आपको याद हो कि जब भारत ने अपना फाइनल खेला था ओडीआई वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तब ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम थी जिसने भारत की विनिंग स्ट्रीक तोड़ी थी और वर्ल्ड कप अपने नाम कर गई थी। तो क्या अब भारत टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से वो हार का बदला ले पाएगा, और अगर भारत को ये हार का बदला लेना है तो भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिस चीज के बारे में भारत को ध्यान रखना चाहिए अगर कल का मुकाबला जीतना है। क्योंकि अगर भारत कल का मुकाबला जीत जाएगा तो भारत के लिए तो खुशखबरी यही रहेगी कि भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। पर अगर कल ऑस्ट्रेलिया अपना मुकाबला हार जाता है और वहां से अफगानिस्तान अपना मुकाबला जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि भारत को पहली चीज ऐसी क्या करनी होगी ताकि कल ऑस्ट्रेलिया से भारत एक कदम आगे रहे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की, तो जहां पे ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी है, इनको ज्यादा देर तक फील्ड पे ना टिकने दे। अगर इन खिलाड़ियों का जल्दी विकेट अगर हमें मिल जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो इन सबको, इनकी विकेट्स जल्दी लेना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है जो भारत को वो उसमें आगे रख सकता है, गेम में आगे रख सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे ट्रम्प कार्ड है, जहाँ पे हमारे पास जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव है, अगर हम चाहते हैं कि जो बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की वो ज़्यादा टाइम तक ना टिके, तो हमें बीच बीच में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को लेके आना चाहिए, ताकि ये दोनों जब खिलाड़ी आएंगे तो उस प्लेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको टफ सिचुएशन में भी विकेट दिलवा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इन खिलाड़ियों के सामने स्टेबल नहीं हो पाएगा और जल्दी ही अपनी विकेट भी गंवा सकता है। वहीं अगर हम बात करें उस खिलाड़ी की जिसने 2023 में जो सबसे बड़ा जिम्मेवार था हमारी हार का, वो था ट्रेविस हेड, जिसने फाइनल में काफ़ी ही बेहतरीन पारी खेली थी। और अगर ट्रेविस हेड को आउट करना है तो ट्रेविस हेड की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जब ट्रेविस हेड को जब तक जमने नहीं देंगे हम, तो ट्रेविस हेड को आउट करना आसान है। बिकॉज अगर ट्रेविस हेड जम गए तो उसके बाद उन्हें आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो जब ट्रेविस हेड खेलने आए तो शुरुआती ओवर में तो आप अटैक कीजिए उन पर जब आपको दिखाई दे कि आप ट्रेविस हेड से विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तब उस टाइम पे आप बॉल को थोड़ा बाहर की तरफ अगर फेंकते हैं तो ट्रेविस हेड उसमें आक्रामक हो जाते हैं और फिर उल्टे उल्टे शॉट खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे सबसे ज्यादा विकेट लेने के चांसेस भी बन सकते हैं। वहीं अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो फील्डिंग जो है, फील्डिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम एक छोटी टीम नहीं है, और अगर इनके सामने आप मिसफील्ड करते हैं या फिर आप ऐसे बड़ी कैचेस छोड़ देते हैं तो वो आपकी हार का एक सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है। तो फील्डिंग भारत को कल अपनी काफ़ी अच्छी रखनी होगी ताकि कल ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सके। और आखिरी में अगर मैं बताऊं तो जो हमारी साइड से अगर हम बात करें, इंडिया आज की साइड से बात करें, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की पार्टनरशिप पावर प्ले में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये दोनों ही खिलाड़ी पावर प्ले में आउट हो गए तो टीम के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। पर अगर ये दोनों खिलाड़ी पावर प्ले तक टिक गए तो ये प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, भले ही पावर प्ले में हमें रन ना मिले, पर अगर ये दोनों ही खिलाड़ी टिक जाते हैं पावर प्ले तक तो ये प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसे भी आ सकती है कि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस अगर उस मैच में ना चले हार्दिक पांड्या, तो क्या, तो क्या हम सिर्फ हार्दिक पांड्या पे ही टीम के लिए रिलाई कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। और शिवम दुबे का भी अगर हम देखें तो शिवम दुबे की भी परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ अच्छी हमें देखने को नहीं मिल रही है। शिवम दुबे काफ़ी फुटवर्क में लैक कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से सबसे बड़ा पॉइंट जो है, रोहित और विराट को कल अपनी ओपनिंग में भी टिकना होगा। तो इस सब के बाद अगर तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं और शायद हम कल अपना सेमीफाइनल भी पक्का कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।